अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से इलस्ट्रेटर में हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा कह लें कि एक्यूरेसी के साथ और कम टाइम में कुछ हमें ऐसे पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे कि हमें कम वक्त में ज़्यादा आसानी के साथ हमारे जो सिलेक्शन है वो हमें मिल जाए, मोर प्रिसाइजली और एक्यूरेटली। जी, ये एक हमारा ये फाइल पर कुछ काम और ये मैंने कुछ बनाए हैं ऑब्जेक्ट्स, कुछ स्टार्च की शेप्स हैं और कुछ स्केयर, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं और इनकी आउटलाइन देखें कि कुछ की आउटलाइन मैंने की है ये 5 पॉइंट और कुछ की है 2 पॉइंट और कुछ की है 1 पॉइंट और कलर भी इसी तरह से डिफरेंट है। बल्कि हम यहाँ पर कुछ की जो ट्रांसपेरेंसी है इसको सेलेक्ट किया और जो ओपेसिटी इसको किया क्लिक और जो उसके आखिर में एरो था और इसको मैं कर लेता हूँ 50 कर लेता हूँ और इसी तरह से मैं इसकी रेड बॉक्स है इसकी भी वैल्यू जो है कर लेता हूँ 50। जी, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं या बार से इसके बटन से स्लाइड जो इसकी स्लाइड बार है या उसके ऊपर टाइप करके भी हम उसमें 50 लिख के उसको एंटर कर सकते हैं। इस तरह से जी, और अब हमने करना है अपना सिलेक्शन का काम जो हमने करना है कुछ पैरामीटर्स के साथ। जी जी, इसको मैंने ब्लू बॉक्स को सिलेक्ट किया और हम जाएंगे सिलेक्ट में और सिलेक्ट में हमारे पास है नीचे वाले इसमें सेम में देखें ब्लेंडिंग मोड, फिल एंड स्ट्रोक, फिल कलर, ओपेसिटी, स्ट्रोक कलर और ये कुछ और चीज़ें हैं जो एक्टिवेट नहीं है क्योंकि अभी हमारी फाइल में वो जो ऑप्शन हैं वो अप्लाई नहीं हुई। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड सबका सेम है इसलिए वो तमाम सारी फाइलें जो थी हमारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। ये वही ब्लेंडिंग मोड है जो हम फोटोशॉप में भी यूज़ करते थे और हमारी लेयर्स की जो थी जो हमारा इमेज होता है किसी लेयर पर उसकी जो कलर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो भी हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो हम सिलेक्शन पर देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने सिलेक्शन को मज़ीद एक्यूरेट कर सकते हैं। जिसके बाद है फिल एंड स्ट्रोक। मैंने ये ब्लू जो हमारा बॉक्स है इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर है ब्लू और इसकी आउटलाइन है 5 पॉइंट। अब देखें कि जब मैं सेलेक्ट पे जाके इसको कहता हूँ कि सेम फिल एंड स्ट्रोक, तो उसने क्या किया कि जो फिल ब्लू थी वो और स्ट्रोक 5 पॉइंट उन दोनों को सिर्फ उसने सेलेक्ट किया और उसी पैरामीटर्स के अंदर अंदर उसने सब इस तमाम कैनवस पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे उनको सर्च किया। तो सिर्फ ये दो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं ये दोनों सेम कलर और सेम आउटलाइन का जो साइज़ है उसको ये दोनों मिले तो उसने इनको सेलेक्ट कर लिया। हालांकि ये देखें कि ब्लू ऑब्जेक्ट हमारा ये भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन चूँकि इसकी आउटलाइन का कलर इसकी आउटलाइन का जो साइज़ है वो है हमारे पास 1 पॉइंट जबकि ये दोनों हैं 5 पॉइंट के साथ, तो इसलिए उसने इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसको जो था हमारा ये वाला बॉक्स इसको इग्नोर कर दिया। फिर मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं करता हूँ सेलेक्ट पर जाकर सेम और अब मैं कर लेता हूँ ओपेसिटी। जो ओपेसिटी पर क्लिक किया जब तो जो भी ऑब्जेक्ट्स थे जिनकी ओपेसिटी वही थी जो इस ऑब्जेक्ट की है और इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी जो 100% है, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी इसमें हमने ऐड नहीं की तो इसलिए उसने वो तमाम ऑब्जेक्ट्स हमारे सेलेक्ट कर लिए सिवाय ये इस ग्रीन स्टार के और सिवाय इस रेड बॉक्स के। इसके अलावा बाकी तमाम हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, इसको हमने सर्वे करके देख लिया और ये अंडू मूव कंट्रोल जी। अच्छा जी, अब फिर हमने इसको किया है सिलेक्ट और हम जाते हैं सिलेक्ट सेम और स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर में जाते हैं तो चूंकि तमाम ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन ब्लैक थी वो सारे ऑब्जेक्ट जो थे हमारे वो सिलेक्ट हो गए और अब हम देखते हैं इसको स्टार को जिसकी ओपेसिटी हमने 50% की थी स्टार्ट में। इसको हम करते हैं जी सेलेक्ट पर जाकर सेम और इसको हम करते हैं जब ओपेसिटी, तो अब उसने तमाम ऑब्जेक्ट्स में से वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनकी ओपेसिटी इसकी ओपेसिटी से मिलती जुलती होगी, यानी कि हाँ इसकी 50% ओपेसिटी थी और ये हमने बॉक्स की भी रेड बॉक्स की 50% ओपेसिटी की थी। तो ये ग्रीन स्टार और रेड बॉक्स इस टाइम हमारे जो है वो सिलेक्शन में आ चुके हैं। अब हमने इनको जो भी करना हो इनके साथ वो तमाम काम हम कर सकते हैं जो किसी भी सिलेक्शन के साथ किए जा सकते हैं। उसको मैंने किया अंडू
जी, और इस तरह से हमारी जो थी सिलेक्शन, कुछ हमने मजीद पैरामीटर्स के साथ उसको चेक किया, और उम्मीद है कि ये भी जब ख़ास तौर पर कुछ ऐसी फाइल्स जिन पे हमने काफ़ी कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ड्रा की होती हैं, उनकी मेकिंग की होती है, तो वहाँ पर हमें जब किसी लिमिट के अंदर हमें कुछ चीज़ को तलाश करना हो तो उसके लिए ये हमारी ऑप्शन बहुत मुफीद साबित होगी। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आएगा, अगर आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। फिर मिलते हैं।